नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। हमारे जो भी व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहां भी हैं, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, संपन्न। दोस्तों, आज है मंगलवार। मेरे मंगल देव को प्रसन्न करने के लिए, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए ढेरों उपाय इसके पहले भी आपको बता रही थी। आज फिर एक नया उपाय मैं आपको बता रही हूँ। इस उपाय को आप तब करें जब आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप कहीं चाहते हैं कि मेरा मकान हो जाए, लेकिन वो हो नहीं रहा है। आपकी जमीन किसी ने दबा रखी है, आपको वापस नहीं दे रहा है। आपके पैसे किसी ने दबा रखे हैं, वो आपको वापस नहीं दे रहा है। आपके घर में बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, उनकी उम्र हो गई है, लेकिन शादी नहीं हो रही है। जिसके भी दोस्तों मंगल हैवी होते हैं, भारी होते हैं, जो लोग मंगली होते हैं, मंगल जिन्हें तकलीफ दे रहे होते हैं, उनकी शादियां जल्दी नहीं होती। आफ्टर 30 इयर्स या अबाउट 30 इयर्स उनकी शादियां होती हैं, उनके घर जल्दी नहीं बसते। और अगर इन चीजों को आपको आप यदि शांत नहीं करते हैं तो बसे बसाए घर भी उजड़ जाते हैं। यदि आपके मंगल कमजोर है दोस्तों, तो कभी आपका घर का घर नहीं होगा। आप जिंदगी भर भाड़े के मकान में ही रहते रहेंगे। आपकी खुद की जमीन, हो सकता है आपका आपका घर के ही मेंबर उसको दबा ले, आपका भाई, आपका चचेरा भाई, आपके चाचा वगैरह। क्योंकि काफी मेरे पास ऐसे फोन आते हैं कि हमारा ही भाई है, लेकिन वो हमारी जमीन नहीं दे रहा है, वो हमारा मकान पचा करके बैठा हुआ है, हमारे पैसे ले लिए हैं, वापस नहीं दे रहे हैं। जब दोस्तों आपके मंगल कमजोर होंगे तो आप अंदर से कमजोर होंगे, आपके अंदर साहस नहीं आएगा, पराक्रम नहीं आएगा, तो लोग आपकी चीजों को दबा लेंगे, आपको वो चीजें नहीं मिलेंगी जो आप पाना चाहते हैं। कभी कभी आपके अनायासी लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं होगा दिन में कि आज की रात आप जेल में बैठे होंगे, पूरी रात आप जेल में काट करके आएंगे, ऐसा होता रहेगा। आपकी लाइफ में इतनी तकलीफ है, जैसे कि गठिया रोग होना, फोड़े फुंसी होना, पथरी का रोग होना, शरीर के अंदर कंपन होना, ये तमाम प्रकार के रोग जब आपका मंगल कमजोर होता है, जब मंगल आपका साथ नहीं देता है, तब आपकी बॉडी के अंदर भी ढेरों तकलीफें डेवलप हो जाती है। आपके सिर में दर्द होना, दिमाग ढंग से काम नहीं करना, चिड़चिड़ापन हद से ज्यादा होना, और अंदर से जो पावर आना चाहिए, एक शांत इंसान बहुत कुछ कर सकता है, वो आपके अंदर नहीं आएगा। आप देखना जिसके मंगल बहुत पावरफुल है, वे लोग पुलिस फोर्स में है, आर्मी में है, नेवी में है, साहस का काम करने में, जिनके भी मंगल मजबूत है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप लोग वो काम करें जिसमें साहस हो, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप उन कामों को करें जो जमीन से जुड़े हुए हैं। मंगल दोस्तों जमीन से जुड़ा हुआ ग्रह है। आपकी ये बॉडी, ये पशु पक्षी, ये पेड़ पौधे, जो कुछ भी आपको दिखाई देता है, सारी ही चीजें इस पृथ्वी से आपको मिली है, पृथ्वी ने आपको दिया है। आपकी बॉडी में 12% पृथ्वी है। तो जब आपका समय ओवर होता है, पृथ्वी अपना जो अंश है वापस ले लेती है। 72% पानी है, वो अपनी जगह चला जाता है, वायु अपनी जगह चली, हर चीज पांच तत्व अपनी जगह चले जाते हैं, नेचुरल आप सब जानते हैं इस चीज को। तो आपको अपने पृथ्वी तत्वों को मजबूत बनाना है। मंगल को जब आप प्रसन्न करेंगे, माता पृथ्वी आपके ऊपर प्रसन्न होंगी। पृथ्वी से जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं वो सब आपको बहुत आसानी से मिलती है ना। मंगल को प्रसन्न करने के लिए दोस्तों ढेरों उपाय है, जो मैंने आपसे काफी उपाय शेयर किए हैं। आज एक ऐसा छोटा सा उपाय और आपको बता दूं कि इस उपाय को आप करके देखें, बहुत आसान है, बहुत सरल है, कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है, लेडीज हो, जेंट्स हो, कोई भी हो, आप इस उपाय को करें, आपके मंगल बहुत जल्दी धीरे धीरे मतलब शांत होने लग जाएंगे। यदि आपको लगता है कि मैंने इस उपाय को किया मुझे रिजल्ट नहीं मिला, तो दोस्तों एक बात बहुत सिंपल समझ लेने वाली है, ऐसा नहीं होगा कि आपने आज किया और सुबह ही आपको कहीं से एक बंगला मिल गया, कहीं से आपको मकान मिल गया, नहीं। किसी भी चीज को आप करते हो तो उसको आप आज करो, फिर दूसरे मंगलवार को करो, तीसरे मंगलवार को करो, उसको करो, करोगे तब उसका रिजल्ट आएगा। आपके पास कितना ही अच्छा मजबूत बीज है, आपने उसको जमीन में डाल दिया है, वो कल सुबह पेड़ नहीं बन जाएगा। उसको हवा चाहिए, पानी चाहिए, एक माहौल चाहिए, एक समय चाहिए, उसके बाद ही वो पनप करके बाहर आएगा। ऐसे ही आपके ये कर्म है, पूजा पाठ जब तक आप शुरुआत करें, रिजल्ट नहीं मिले इसमें तो कोई दम ही नहीं है, रिजल्ट को तो आना ही आना है, रिजल्ट को आना है तभी प्रकृति आपसे कर्म करवा रही है,
जो आप करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। ठीक है, जो भी आप कर्म करें उसे करें पॉजिटिव होकर के। यदि आपके कर्मों पर आपको विश्वास नहीं होगा तो कोई दूसरा विश्वास कभी नहीं करेगा। प्रकृति भी आपके उन कर्मों को तभी स्टंप लगाती है जब वो देखती है कि आप अंदर से पॉजिटिव हैं। आपको ये चीज चाहिए, मतलब चाहिए, तभी कुदरत भी आपको वो चीज देती है। अगर आपके अंदर शंका कुशंका है तो कोई भी काम सफल नहीं होगा। भगवान कृष्ण ने कहा है भगवद गीता में कि शंकाशील पुरुष न इस लोक में कुछ कर सकता है न उस लोक में जाकर के। अपने कर्मों पर पूरी आस्था रखो और फिर आगे बढ़ो। काम कैसे नहीं होगा, काम को होना है। आपको क्या करना है, मंगलवार की रात माचिस की डिबिया लेनी है। दोस्तों माचिस राहु से भी जुड़ी हुई है। मंगल, राहु, केतु, शनि, ये तमाम क्रूर ग्रह है। सूर्य, इसमें से जो भी आप चीज यूज करते हैं वो तमाम चीजों से जुड़ी हुई होती है। पहले मैंने एक वीडियो डाली थी माचिस के ऊपर, आप लोगों ने उसे बहुत पसंद किया, बहुत पसंद किया। इसीलिए माचिस से जुड़ा हुआ ये दूसरा उपाय मैं आपको बता रही हूँ, ये भी बहुत बढ़िया है। आपको क्या करना है, माचिस की डिबिया सोते समय अपने सिरहाने रखनी है। आपने सुना होगा दोस्तों, आपके घर में यदि कोई नेगेटिविटी है, आप शमशान के रास्ते जा रहे हैं, किसी एकांत विस्तार में आप निकल रहे हैं, यदि आपके पास माचिस की डिबिया है तो जो नेगेटिव एनर्जी है, जो इस ब्रह्मांड में नेगेटिव एनर्जी, और जल्दी आपके पास नहीं आएंगी क्योंकि उन्हें कहीं अंदर अंदर भय होता है कि आपके पास माचिस है। तो आप यदि रात को उसको अपने सिरहाने रखते हैं तो आपके पास कोई भी नेगेटिव चीज नहीं आती है जो मंगल से जुड़ी हुई है, यदि आप मंगलवार की रात इसको रखते हैं। ठीक है, पूरी रात आप उसे अपने सिरहाने रख करके सो जाएं। सुबह आप उस माचिस की डिबिया को अपने घर के दक्षिण दिशा में, जो आपके घर का दक्षिण का हिस्सा है उसमें मंगल का वास होता है, अपने घर के दक्षिण दिशा में उस माचिस की डिबिया को रखें और जला दें। जलाने से पहले आप चाहे तो 7 बार उसे अपने ऊपर से उबार लें और बिल्कुल यही सोचते हुए उबारें कि आपके ऊपर जो भी नेगेटिविटी थी वो तमाम नेगेटिविटी अब इस चीज के साथ जल रही है, खत्म हो रही है। उसे आप जला दें सुबह, नहा, जब आप नहा धोकर के स्वच्छ हो जाते हैं उसके बाद आपको इस क्रिया को करना है। आप कम से कम 9 मंगलवार इसको करें। आपका कैसा भी अटका हुआ काम होगा, कोर्ट कचहरी का काम होगा, आपका कोई भी राजकीय काम होगा, पुलिस से, आर्मी से जुड़ा हुआ कोई भी काम होगा, पैसे आपके दबे हुए हैं, आपके घर में शादी ब्याह को लेकर के कोई परेशानी हो रही है, आपके खुद के अंदर कोई कायरता है, साहस नहीं है, तमाम चीजें आपको अपने अंदर से दूर जाती हुई दिखाई देंगी और आपके काम में बहुत जल्दी आपको लगेगा कि हाँ मुझे कुछ अच्छा हो रहा है, मेरे साथ मुझे सफलता मिल रही है। करके देखे, करते रहे, खुश रहे। ये सब कुछ करने में कहीं कोई तकलीफ पड़े, कोई ऐसी बात हो जो आपकी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछे, अवश्य बिना पूछे कोई भी क्रिया ना करें। ठीक है, पहले आप उसे सुन ले, समझ ले, उसके बाद ही क्रिया को करें। करते रहे, खुश रहे। जय श्री कृष्ण।